अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। याचिका में ईडी द्वारा शराब घोटाले में गिरफ्तारी को दी गई चुनौती। ईडी की दलील सामने आई, मनी ट्रेल, केजरीवाल स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त। प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भाजपा आक्रामक। चरण दास महंत ने प्रधानमंत्री पर की थी हिंसात्मक टिप्पणी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का करारा पलटवार, कहा जनता देगी कांग्रेस को जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। नमो ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं के समर्पण को किया नमन। बूथ जीतने को बताया चुनावी जीत का आधार। केरल में पूरी तरह बिखरा इंडिकुंबा। राहुल गांधी ने वायनाड से भरा पर्चा तो माकपा ने किया कटाक्ष। पूछा क्यों छोड़ना पड़ा उत्तर भारत। सीपीआई प्रत्याशी अनिल राजा ने भी किया नामांकन। अंतिम चरण में पहुंचा लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का नामांकन। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार। कांग्रेस ने शुरू किया घर घर गारंटी अभियान। बसपा ने जारी की उम्मीदवारों की एक और सूची, 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल। उधर बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ थामा भाजपा का दामन। संजय निरुपम ने भी कांग्रेस छोड़ने के दिए संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। संजय सिंह की जमानत के बाद शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने भी जमानत की अर्जी लगाई है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। 6 अप्रैल को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने और रिहाई की मांग वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ईडी की मंशा पर सवाल उठाए। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं है। ईडी चाहती तो पहले या दूसरे समन के बाद भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी। ईडी चाहती तो उनका बयान बिना गिरफ्तारी के भी लिया जा सकता था। ईडी के पास पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मामले में ईडी पहले भी कई आरोप पत्र दायर कर चुकी है। ऐसे में केजरीवाल द्वारा जांच को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं दिखती है। केजरीवाल के देश छोड़कर भागने की भी कोई आशंका नहीं है। सरकारी गवाहों के बयान पर आपत्ति जताते हुए सिंघवी ने कहा कि अपने शुरुआती बयानों में किसी ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था। इनसे मनमाने बयान लेकर ईडी ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने नए सबूत मिलने के बाद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की। कानून एक चीफ मिनिस्टर और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, जिसके बदले आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली। ईडी ने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। आप कह सकते हैं कि ईडी दबाव डालता है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट भी सरकारी गवाहों पर दबाव डालते हैं। जांच में पता लगा है कि विक्रेताओं, विज्ञापनदाताओं और कर्मचारियों को भुगतान नकद में किया गया। उस नकदी का हिसाब नहीं है। इस नकदी का स्रोत रिश्वत है। ये 100 करोड़ या उससे थोड़ा कम हो सकता है। यहां तक कि आप उम्मीदवार ने भी इसे स्वीकार किया है। मुमकिन है कि पैसे का इस्तेमाल हो चुका हो और इसलिए नकदी बरामद नहीं की जा सकी। इस मामले में आम आदमी पार्टी ही अंतिम लाभार्थी है और उसके संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को इसकी पूरी जानकारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने हर बूथ की मजबूती का संदेश देते हुए कहा कि जनता को मोदी की हर गारंटी पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने तीन तलाक की रोकथाम कानून जैसे सुधारवादी कदम गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदाताओं के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्यों के भाजपा कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम को सराहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट को पर्दे के पीछे एक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों भाजपा से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने भ्रष्ट नेताओं पर नकेल कसी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा को नई उम्मीद से देखती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश को आगे ले जाने में पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस के इस घटिया बयान का करारा जवाब जनता ही फिर से देगी। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिल्ली दिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे और इस बार यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच दूसरे चरण के लिए धुआंधार नामांकन हुए। दरअसल दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का गुरुवार को आखिरी दिन है। इस वजह से नामांकन प्रक्रिया में काफी तेजी दिखाई दी। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले। जहां नेता जनता से वोट की अपील करते नजर आए, तो वहीं अपनी अपनी जीत के दावे भी करते दिखाई दिए। 18वीं लोकसभा के लिए दूसरे चरण में 89 सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस, भाजपा समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने रोड शो किए और नामांकन दाखिल किए। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से दो बार के सांसद भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा ने नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। जबकि पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने भी पर्चा दाखिल किया। आज कोटा के विकास की बात करता हूँ, तो चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, रोड हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, जो बुनियादी सवाल थे वो सारे बुनियादी सवाल इस कार्यकाल में पूरे हुए हैं। हमारा जो जीत होगा इस बार ऐतिहासिक जीत होगा और बहुत बड़े बड़े मार्जिन के साथ ये सीट हम नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट देंगे। भाजपा के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के उम्मीदवार शशि थरूर ने भी तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बिहार के पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने अपना पर्चा भरा। दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हुई थी। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा असम और बिहार की 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। डीडी न्यूज़।
लोकसभा चुनाव में हर दिन तेज हो रहा है प्रचार अभियान। सभी राजनीतिक दल रैलियों, रोड शो और दूसरे माध्यमों से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं कई नेताओं ने जनता के बीच मोर्चा संभाला। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। सभी राजनीतिक दल रैलियों, रोड शो और दूसरे माध्यमों से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद योगी सरकार ने गुंडों का आतंक रोका है। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बन कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। हमारा संकल्प है कि भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए। ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं जो भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लेकर हम सब अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने आज गांव की तस्वीर ही बदल दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव की तस्वीर बदल गई। ऐसे 18,000 गांव थे जहां आपके राज में बिजली नहीं थी। सोचिए वो कैसे 21वीं शताब्दी में जी रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खजुराहो में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी बीजेपी में जाना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। मेरठ से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल हापुड़ पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर दक्षिण में रोड शो किया जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल में भाजपा उम्मीदवार माला राज लक्ष्मी शाह के पक्ष में रोड शो किया। पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण को बढ़ावा देने में लगे हैं। आगरा के सूर सदन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत में घुसपैठ नहीं हो सकती। आज भारत के अंदर घुसपैठ नहीं हो सकती। दुश्मन जब मर्जी तब भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है भारत की सीमा का अतिक्रमण का मतलब उसकी जो जोरदार प्रतिक्रिया होगी वह कई पीढ़ियों को, उस देश को, उस दुश्मन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। AIADMK तिरुचिरापल्ली लोकसभा उम्मीदवार पी करुपैया ने श्री सैंडल मरियम्मन मंदिर में पूजा की और अपना चुनाव अभियान शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पश्चिम बंगाल के बालूरघाट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार के समर्थन में मेगा रैली में हिस्सा लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के प्रत्याशी कंगना रनौत ने मोहनाग गांव में लोगों से मुलाकात की और चुनाव प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। लोकसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधनों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनावों के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। इंडी गठबंधन कई मोर्चों पर आपसी मुकाबले में गठबंधन साथियों पर भी हमलावर है। केरल में राहुल की दावेदारी पर लेफ्ट ने किया हमला, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर जहां एनडीए गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं इंडी गठबंधन में भी राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड वितरित करेंगे जो 14 अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं। ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हम हमारी सरकार अलायंस की सरकार
आने के बाद हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। ममता ने जलपाईगुड़ी में चाय बागान श्रमिकों से मुलाकात की। बाद में ममता ने स्थानीय एक चाय की दुकान पर चाय बनाकर लोगों को पिलाई। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अपराधियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान है, क्योंकि यहां दीदी और उनकी पुलिस है। जहां शाहजहां बढ़ते हैं, वहां नूरजहां द्वारा मदद होती ही है। उधर पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर। उधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बाड़मेर में चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, नौजवान रोजगार चाहते हैं और किसान अपने भविष्य को बेहतर देखना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर मैं जानता हूं कि इस बार माहौल ऐसा है कि लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और 10 साल की जो बीजेपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है उसको देखकर लोगों ने मन बना लिया कि बदलाव जरूरी है। केरल के वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार राहुल गांधी से होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने चामराजनगर में कांग्रेस नेता सुनील बोस की नामांकन रैली में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस ने दो और लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मथुरा लोकसभा क्षेत्र से मुकेश धनगर को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, जबकि सीतापुर से नकुल दुबे का टिकट काटकर राकेश राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस अभी तक अमेठी और रायबरेली सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं कर पाई है। वहीं एमडीएमके के संस्थापक वाइको ने कच्चा तीवू मामले पर कांग्रेस की आलोचना की है। वाइको ने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु के साथ हमेशा धोखा किया है। ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी सरकार के दौरान कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप देने को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जेल से रिहा होकर बाहर आ चुके हैं। तिहाड़ जेल के बाहर समर्थकों ने इकट्ठा होकर संजय सिंह का स्वागत किया। गौरतलब है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के केस में हुई थी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भाजपा सांसद हेमा मालिनी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में घिर गए हैं। भाजपा ने सुरजेवाला के इस बयान पर कटाक्ष किया है। भाजपा के सूचना तकनीक विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह बयान सभी महिलाओं का अपमान करने वाला है। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले के भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना को लेकर हालिया आपत्तिजनक बयान की भी याद दिलाई। अमित मालवीय ने कहा कि यह राहुल गांधी की कांग्रेस है जो महिलाओं से नफरत करती है। लू और बढ़ती गर्मी से संबंधित समस्याओं के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने की तैयारियों और कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। आग लगने की घटनाएं ना हो इसके लिए जागरूकता फैलाना और उन पर भी चर्चा करना इसका उद्देश्य था। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, DGHS, DGICMR निदेशक एम्स, MS सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने भी हिस्सा लिया। IMD ने वो भी बताया है कि प्रतिवर्ष समर में जो टेम्परेचर रहता है उससे इस बार थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। उसको देखते हुए उसकी जनता पर इफेक्ट ना हो, चालू वर्ष इलेक्शन ईयर है, सरकार के ओर से स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी भी जारी करने के लिए कहा है। इस वर्ष में जब आप इलेक्शन के कैंपेन करेंगे आप पानी पीते रहिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने CGHS ऐप को ISO प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया।
अब एप्पल के यूजर भी सीजीएचएस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप पहले से ही एंड्रॉयड मोबाइल पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए सीजीएचएस के लाभार्थी अपना अपॉइंटमेंट बुक कराने से लेकर नजदीकी सीजीएचएस अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो सीजीएचएस है उसके लिए iOS पे ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप पहले एंड्रॉयड का ऐप होता था, आज एप्पल के जो यूजर्स हैं उनके लिए iOS का भी ऐप का लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे सीजीएचएस का, तो सीजीएचएस की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर कहाँ पर वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कौन सा करीबी आपका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, कौन सी स्पेशलिटी है, वहाँ आप क्या जाके किस तरह से उपचार पा सकते हैं, किस तरह की मेडिसिन आपने प्राप्त करी है, डायग्नोस्टिक आपका क्या हुआ है, ये सब चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स हैं, ये सब चीज़ें आपको इस ऐप के ऊपर उपलब्ध होंगी। एंड्रॉयड के लिए ये ऐप ऑलरेडी चल रहा था। केंद्र सरकार ने सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को अपना अकाउंट आभा आईडी के साथ लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। ये 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। सभी मौजूदा सीजीएचएस लाभार्थियों को अपनी आईडी को 30 दिनों के अंदर आभा आईडी के साथ लिंक कराना होगा। आपको बता दें कि आभा एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है और इसका आयुष्मान भारत योजना से कोई लेना देना नहीं है। अब तक देश के 55 करोड़ लोगों ने आभा आईडी बना ली है। आभा एक नंबर है जो कि आधार से लिंक्ड है और ये डिजिटल आपकी हेल्थ आइडेंटिटी है। जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसमें एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री ने, जिसमें देश के सभी नागरिकों का आभा कार्ड बनना है। इसका कोई भी संबंध आयुष्मान भारत योजना से नहीं है। ये जैसे कि आधार सबका बना है, वैसे ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सबका रहे, केवल इसका उद्देश्य ये है। और आपका पूरा उस पर अधिकार है कि आप उसको किसी से शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, जो हम केंद्र सरकार के जो हम एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इसके अंदर जो है अपना आभा कार्ड बनाएं और इसका लाभ हमें ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो कार्ड है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे को एक जगह उपलब्ध हो पाएगी। चाहे हमने सीजीएचएस का बेनिफिट लिया या कहीं हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तो हमारा पूरा हेल्थ रिकॉर्ड हमारे को एक जगह उपलब्ध हो पाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस मौके पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान चुनाव आयुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और मतदान के दिन 48 घंटे पहले सीमाओं को सील करने की सलाह दी गई है। साथ ही राज्यों के सीमावर्ती जिलों में नियमित रूप से बैठक करने और चुनाव प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया गया। अयोध्या में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यहां प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के किसी भी धर्मस्थल पर पहुंचने वालों की तुलना में बहुत अधिक है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। रामलला के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक यहां 1 करोड़ लोग पहुंचे हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दुनिया के किसी भी धर्म स्थल पर पहुंचने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है। आंकड़ों को देखें तो ईसाइयों के पवित्र स्थल वेटिकन में साल भर में लगभग 90 लाख लोग पहुंचते हैं। वहीं मुसलमानों के धार्मिक स्थल मक्का में पिछले साल भर में 1,35,00,000 लोग पहुंचे थे। ऐसे में केवल लगभग 1.5 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना बहुत बड़ी संख्या है। 17 अप्रैल को रामनवमी है, ऐसे में रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। 10 मार्च को लगभग 2.25 लाख लोगों ने मंदिर रामलला के दर्शन किए। 17 मार्च को लगभग 1,75,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब उन्हें अयोध्या में आकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो त्रेता युग की राम नगरी में हो। श्रद्धालु वहां उपलब्ध सुविधाओं और प्रबंधों से भी बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं। रामलला के साक्षात दर्शन कर
आलादित श्रद्धालुओं की आराध्य के प्रति भक्ति का भाव स्वतः ही चेहरे पर दिखाई देने लगता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सिर्फ एक बार रामलला को साक्षात देखकर मन नहीं भरा तो थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने दोबारा दर्शन किया। रामलला को देखकर मन को असीम शांति की अनुभूति हुई है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा है भाई, जाओ सब लोग दर्शन करो उनके जाकर। अब रामलला चाहे तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी आने की कोशिश करें। बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेटर है। रामलला जय श्री राम बोल रहे हैं और ये मन से ऐसा अब लग रहा है कि हम भगवान के दर्शन करके आए हैं। साक्षात भगवान हमारे सामने थे और उनका दर्शन हमारे लिए ऐसा अनुभूति है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं तो जब दर्शन करने गई एक बार, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं करके मेरा मन नहीं भरा, मैं एक बार करके आ गई, फिर मैं दोबारा दर्शन करने गई, पूरी लाइन में खड़ी होके फिर दोबारा दर्शन करके आई। मुझे इतना अच्छा आनंद आया, इतना ज़्यादा मुझे इतनी उत्साह हो रही है उनसे मिलने के लिए। आज मिली तो मुझे ऐसा रोना सा भी आ गया कि काश मैं पहले उनसे मिलती। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं फिर भी उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं है। इसकी बड़ी वजह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रबंध हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब अयोध्या बहुत बदल गई है, मानो जैसे हम सभी त्रेता युग में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक बार जरूर रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने नए सैनिक स्कूलों को राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता के आधार पर संस्थानों को आवंटित करने की खबरों का खंडन किया है। बयान में कहा गया है कि ऐसे आक्षेप निराधार हैं। सैनिक स्कूलों की स्थापना 1960 के दशक में सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत की गई थी। 33 सैनिक स्कूलों की सफलता को देखते हुए देश में अतिरिक्त सैनिक स्कूलों की लगातार मांग होती रही है। बयान में कहा गया है कि नए सैनिक स्कूल युवाओं को अनुशासन, साहस, नेतृत्व और देशभक्ति पर आधारित मूल्यों और लोकाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। सैनिक स्कूल पैटर्न शिक्षा का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने पहले चरण में सैनिक स्कूल स्थापना की योजना शुरू की है। इसी के तहत देश भर में 100 स्कूल गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में कार्य कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी संसदीय क्षेत्र अमेठी में आवास बनवाने के बाद वहां की मतदाता भी बन गई हैं। उन्होंने गौरीगंज के मेदनमवी गांव में अपने लिए घर बनवाया है। स्मृति ईरानी अमेठी के इसी गांव के बूथ संख्या 347 की मतदाता बनी है। और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता बने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार। यकी है खुद पर है नाज, सुनती हूं अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूं जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूं नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूं। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट, देश की कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से। देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत कर। We'll be right back.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। याचिका में ईडी द्वारा शराब घोटाले में गिरफ्तारी को दी गई चुनौती। ईडी की दलील सामने आई, मनी ट्रेल, केजरीवाल स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त। प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भाजपा आक्रामक। चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री पर की थी हिंसात्मक टिप्पणी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का करारा पलटवार, कहा जनता देगी कांग्रेस को जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। नमो ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं के समर्पण को किया नमन। बूथ जीतने को बताया चुनावी जीत का आधार। केरल में पूरी तरह बिखरा इंडिकुंबा। राहुल गांधी ने वायनाड से भरा पर्चा तो माकपा ने किया कटाक्ष। पूछा क्यों छोड़ना पड़ा उत्तर भारत। सीपीआई प्रत्याशी अनिल राजा ने भी किया नामांकन। अंतिम चरण में पहुंचा लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का नामांकन। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार। कांग्रेस ने शुरू किया घर घर गारंटी अभियान। बसपा ने जारी की उम्मीदवारों की एक और सूची, 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल। उधर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ थामा भाजपा का दामन। संजय निरुपम ने भी कांग्रेस छोड़ने के दिए संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। संजय सिंह की जमानत के बाद शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने भी जमानत की अर्जी लगाई है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। 6 अप्रैल को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने और रिहाई की मांग वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ईडी की मंशा पर सवाल उठाए। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं है। ईडी चाहती तो पहले या दूसरे समन के बाद भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी। ईडी चाहती तो उनका बयान बिना गिरफ्तारी के भी लिया जा सकता था। ईडी के पास पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मामले में ईडी पहले भी कई आरोप पत्र दायर कर चुकी है। ऐसे में केजरीवाल द्वारा जांच को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं दिखती है। केजरीवाल के देश छोड़कर भागने की भी कोई आशंका नहीं है। सरकारी गवाहों के बयान पर आपत्ति जताते हुए सिंघवी ने कहा कि अपने शुरुआती बयानों में किसी ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था। इनसे मनमाने बयान लेकर ईडी ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने नए सबूत मिलने के बाद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की। कानून एक चीफ मिनिस्टर और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, जिसके बदले आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली। ईडी ने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। आप कह सकते हैं कि ईडी दबाव डालता है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट भी सरकारी गवाहों पर दबाव डालते हैं? जांच में पता लगा है कि विक्रेताओं, विज्ञापनदाताओं और कर्मचारियों को भुगतान नकद में किया गया। उस नकदी का हिसाब नहीं है। इस नकदी का स्रोत रिश्वत है। ये 100 करोड़ या उससे थोड़ा कम हो सकता है। यहाँ तक कि आप उम्मीदवार ने भी इसे स्वीकार किया है। मुमकिन है कि पैसे का इस्तेमाल हो चुका हो और इसलिए नकदी बरामद नहीं की जा सकी। इस मामले में आम आदमी पार्टी ही अंतिम लाभार्थी है और उसके संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को इसकी पूरी जानकारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने हर बूथ की मजबूती का संदेश देते हुए कहा कि जनता को मोदी की हर गारंटी पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने तीन तलाक की रोकथाम कानून जैसे सुधारवादी कदम गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदाताओं के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्यों के भाजपा कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम को सराहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट को पर्दे के पीछे एक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों भाजपा से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने भ्रष्ट नेताओं पर नकेल कसी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा को नई उम्मीद से देखती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश को आगे ले जाने में पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस के इस घटिया बयान का करारा जवाब जनता ही फिर से देगी। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी, और तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिली दिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे, और इस बार यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे, पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच दूसरे चरण के लिए धुआंधार नामांकन हुए। दरअसल दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का गुरुवार को आखिरी दिन है, इस वजह से नामांकन प्रक्रिया में काफी तेजी दिखाई दी। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले, जहां नेता जनता से वोट की अपील करते नजर आए, तो वहीं अपनी अपनी जीत के दावे भी करते दिखाई दिए। 18वीं लोकसभा के लिए दूसरे चरण में 89 सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस, भाजपा समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने रोड शो किए और नामांकन दाखिल किए। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से दो बार के सांसद भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा ने नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे, जबकि पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने भी पर्चा दाखिल किया। आज कोटा के विकास की बात करता हूँ, तो चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, रोड हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, जो बुनियादी सवाल थे वो सारे बुनियादी सवाल इस कार्यकाल में पूरे हुए हैं। हमारा जो जीत होगा इस बार ऐतिहासिक जीत होगा, और बहुत बड़े बड़े मार्जिन के साथ ये सीट हम नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट देंगे। भाजपा के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के उम्मीदवार शशि थरूर ने भी तिरुवंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बिहार के पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने अपना पर्चा भरा। दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हुई थी। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा असम और बिहार की 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। डीडी न्यूज़।
लोकसभा चुनाव में हर दिन तेज हो रहा है प्रचार अभियान। सभी राजनीतिक दल रैलियों, रोड शो और दूसरे माध्यमों से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं कई नेताओं ने जनता के बीच मोर्चा संभाला। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। सभी राजनीतिक दल रैलियों, रोड शो और दूसरे माध्यमों से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद योगी सरकार ने गुंडों का आतंक रोका है। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बन कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। हमारा संकल्प है कि भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए। ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं जो भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लेकर हम सब अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने आज गांव की तस्वीर ही बदल दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव की तस्वीर बदल गई। ऐसे 18,000 गांव थे जहां आपके राज में बिजली नहीं थी। सोचिए वो कैसे 21वीं शताब्दी में जी रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खजुराहो में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी बीजेपी में जाना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। मेरठ से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल हापुड़ पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर दक्षिण में रोड शो किया जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टेहरी गढ़वाल में भाजपा उम्मीदवार माला राज लक्ष्मी शाह के पक्ष में रोड शो किया। पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण को बढ़ावा देने में लगे हैं। आगरा के सूर सदन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत में घुसपैठ नहीं हो सकती। आज भारत के अंदर घुसपैठ नहीं हो सकती। दुश्मन जब मर्जी तब भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है भारत की सीमा का अतिक्रमण का मतलब उसकी जो जोरदार प्रतिक्रिया होगी वह कई पीढ़ियों को देश को दुश्मन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। AIADMK तिरुचिरापल्ली लोकसभा उम्मीदवार पी करुपैया ने श्री सैंडल मरियम्मन मंदिर में पूजा की और अपना चुनाव अभियान शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पश्चिम बंगाल के बालूरघाट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजुमदार के समर्थन में मेगा रैली में हिस्सा लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के प्रत्याशी कंगना रनौत ने महुनाग गांव में लोगों से मुलाकात की और चुनाव प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधनों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनावों के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। इंडी गठबंधन कई मोर्चों पर आपसी मुकाबले में गठबंधन साथियों पर भी हमलावर है। केरल में राहुल की दावेदारी पर लेफ्ट ने किया हमला, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर जहां एनडीए गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं इंडी गठबंधन में भी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड वितरित करेंगे जो 14 अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं। ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हम हमारी सरकार अलायंस की सरकार
आने के बाद हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। ममता ने जलपाईगुड़ी में चाय बागान श्रमिकों से मुलाकात की। बाद में ममता ने स्थानीय एक चाय की दुकान पर चाय बनाकर लोगों को पिलाई। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अपराधियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान है, क्योंकि यहां दीदी और उनकी पुलिस है। जहां शाहजहां बढ़ते हैं, वहां नूरजहां द्वारा मदद होती ही है। उधर पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर। उधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बाड़मेर में चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, नौजवान रोजगार चाहते हैं और किसान अपने भविष्य को बेहतर देखना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर मैं जानता हूं कि इस बार माहौल ऐसा है कि लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और 10 साल की जो बीजेपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है उसको देखकर लोगों ने मन बना लिया कि बदलाव जरूरी है। केरल के वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार राहुल गांधी से होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने चामराजनगर में कांग्रेस नेता सुनील बोस की नामांकन रैली में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस ने दो और लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मथुरा लोकसभा क्षेत्र से मुकेश धनगर को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, जबकि सीतापुर से नकुल दुबे का टिकट काटकर राकेश राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस अभी तक अमेठी और रायबरेली सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं कर पाई है। वहीं एमडीएमके के संस्थापक वाइको ने कच्चा टीवी मामले पर कांग्रेस की आलोचना की है। वाइको ने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु के साथ हमेशा धोखा किया है। ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी सरकार के दौरान कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप देने को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जेल से रिहा होकर बाहर आ चुके हैं। तिहाड़ जेल के बाहर समर्थकों ने इकट्ठा होकर संजय सिंह का स्वागत किया। गौरतलब है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के केस में हुई थी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भाजपा सांसद हेमा मालिनी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में घिर गए हैं। भाजपा ने सुरजेवाला के इस बयान पर कटाक्ष किया है। भाजपा के सूचना तकनीक विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह बयान सभी महिलाओं का अपमान करने वाला है। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले के भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना को लेकर हाली आपत्तिजनक बयान की भी याद दिलाई। अमित मालवीय ने कहा कि यह राहुल गांधी की कांग्रेस है जो महिलाओं से नफरत करती है। लू और बढ़ती गर्मी से संबंधित समस्याओं के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने की तैयारियों और कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। आग लगने की घटनाएं ना हो इसके लिए जागरूकता फैलाना और उन पर भी चर्चा करना इसका उद्देश्य था। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, DGHS, DGICMR निदेशक एम्स, MS सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने भी हिस्सा लिया। IMD ने वो भी बताया है कि प्रतिवर्ष समर में जो टेम्परेचर रहता है उससे इस बार थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। उसको देखते हुए उसकी जनता पर इफेक्ट ना हो, चालू वर्ष इलेक्शन ईयर है, सरकार के ओर से स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी भी जारी करने के लिए कहा है। इस वर्ष में जब आप इलेक्शन के कैंपेन करेंगे तो मेरा सुझाव है कि आप पानी पीते रहिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने CGHS ऐप को ISO प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया।
अब एप्पल के यूजर भी सीजीएचएस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप पहले से ही एंड्रॉइड मोबाइल पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए सीजीएचएस के लाभार्थी अपना अपॉइंटमेंट बुक कराने से लेकर नजदीकी सीजीएचएस अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो सीजीएचएस है उसके लिए आईओएस पे ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप पहले एंड्रॉइड का ऐप होता था, आज एप्पल के जो यूजर्स हैं उनके लिए आईओएस का भी ऐप का लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे सीजीएचएस का, तो सीजीएचएस की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर कहाँ पर वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कौन सा करीबी आपका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, कौन सी स्पेशलिटी है, वहाँ आप क्या जाके किस तरह से उपचार पा सकते हैं, किस तरह की मेडिसिन आपने प्राप्त करी है, डायग्नोस्टिक आपका क्या हुआ है, ये सब चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स हैं, ये सब चीज़ें आपको इस ऐप के ऊपर उपलब्ध होंगी। एंड्रॉयड के लिए ये ऐप ऑलरेडी चल रहा था। केंद्र सरकार ने सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को अपना अकाउंट आभा आईडी के साथ लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। ये 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। सभी मौजूदा सीजीएचएस लाभार्थियों को अपनी आईडी को 30 दिनों के अंदर आभा आईडी के साथ लिंक कराना होगा। आपको बता दें कि आभा एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है और इसका आयुष्मान भारत योजना से कोई लेना देना नहीं है। अब तक देश के 55 करोड़ लोगों ने आभा आईडी बना ली है। आभा एक नंबर है जो कि आधार से लिंक्ड है और ये डिजिटल आपकी हेल्थ आइडेंटिटी है। जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसमें एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री ने, जिसमें देश के सभी नागरिकों का आभा कार्ड बनना है। इसका कोई भी संबंध आयुष्मान भारत योजना से नहीं है। ये जैसे कि आधार सबका बना है, वैसे ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सबका रहे, केवल इसका उद्देश्य ये है। और आपका पूरा उस पर अधिकार है कि आप उसको किसी से शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, जो हम केंद्र सरकार के जो हम एम्प्लॉयज हैं, पेंशनर हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इसके अंदर जो है अपना आभा कार्ड बनाएं और इसका लाभ हमें ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो कार्ड है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे को एक जगह उपलब्ध हो पाएगी। चाहे हमने सीजीएचएस का बेनिफिट लिया या कहीं हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तो हमारा पूरा हेल्थ रिकॉर्ड हमारे को एक जगह उपलब्ध हो पाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस मौके पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान चुनाव आयुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और मतदान के दिन 48 घंटे पहले सीमाओं को सील करने की सलाह दी गई है। साथ ही राज्यों के सीमावर्ती जिलों में नियमित रूप से बैठक करने और चुनाव प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया गया। अयोध्या में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यहां प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के किसी भी धर्मस्थल पर पहुंचने वालों की तुलना में बहुत अधिक है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। रामलला के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक यहां 1 करोड़ लोग पहुंचे हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दुनिया के किसी भी धर्म स्थल पर पहुंचने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है। आंकड़ों को देखें तो ईसाइयों के पवित्र स्थल वेटिकन में साल भर में लगभग 90 लाख लोग पहुंचते हैं। वहीं मुसलमानों के धार्मिक स्थल मक्का में पिछले साल भर में 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचे थे। ऐसे में केवल लगभग 1.5 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना बहुत बड़ी संख्या है। 17 अप्रैल को रामनवमी है, ऐसे में रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। 10 मार्च को लगभग 2.25 लाख लोगों ने मंदिर रामलला के दर्शन किए। 17 मार्च को लगभग 1,75,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब उन्हें अयोध्या में आकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो त्रेता युग की राम नगरी में हो।
श्रद्धालु वहां उपलब्ध सुविधाओं और प्रबंधों से भी बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं। रामलला के साक्षात दर्शन कर आलादित श्रद्धालुओं की आराध्य के प्रति भक्ति का भाव स्वतः ही चेहरे पर दिखाई देने लगता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सिर्फ एक बार रामलला को साक्षात देखकर मन नहीं भरा तो थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने दोबारा दर्शन किया। रामलला को देखकर मन को असीम शांति की अनुभूति हुई है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा है, जाओ सब लोग दर्शन करो उनके जाकर। अब रामलला चाहे तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी आने की कोशिश करें। बहुत अच्छा, पहले से बहुत बेहतर है रामलला। जय श्री राम बोल रहे हैं और ये मन से ऐसा अब लग रहा है कि हम भगवान के दर्शन करके आए हैं। साक्षात भगवान हमारे सामने थे और उनका दर्शन हमारे लिए ऐसा अनुभूति है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं तो जब दर्शन करने गई एक बार, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं करके मेरा मन नहीं भरा, मैं एक बार करके आ गई, फिर मैं दोबारा दर्शन करने गई, पूरी लाइन में खड़ी होके फिर दोबारा दर्शन करके आई। मुझे इतना अच्छा आनंद आया, इतना ज्यादा मुझे इतनी उत्साह हो रही है उनसे मिलने के लिए। आज मिली तो मुझे ऐसा रोना सा भी आ गया कि काश मैं पहले उनसे मिलती। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं फिर भी उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं है। इसकी बड़ी वजह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रबंध है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब अयोध्या बहुत बदल गई है, मानो जैसे हम सभी त्रेता युग में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक बार जरूर रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने नए सैनिक स्कूलों को राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता के आधार पर संस्थानों को आवंटित करने की खबरों का खंडन किया है। बयान में कहा गया है कि ऐसे आक्षेप निराधार हैं। सैनिक स्कूलों की स्थापना 1960 के दशक में सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत की गई थी। 33 सैनिक स्कूलों की सफलता को देखते हुए देश में अतिरिक्त सैनिक स्कूलों की लगातार मांग होती रही है। बयान में कहा गया है कि नए सैनिक स्कूल युवाओं को अनुशासन, साहस, नेतृत्व और देशभक्ति पर आधारित मूल्यों और लोकाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। सैनिक स्कूल पैटर्न शिक्षा का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने पहले चरण में सैनिक स्कूल स्थापना की योजना शुरू की है। इसी के तहत देशभर में 100 स्कूल गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में कार्य कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी संसदीय क्षेत्र अमेठी में आवास बनवाने के बाद वहां की मतदाता भी बन गई हैं। उन्होंने गौरीगंज के मेदन मवई गांव में अपने लिए घर बनवाया है। स्मृति ईरानी अमेठी के इसी गांव के बूथ संख्या 347 की मतदाता बनी है। और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता बने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार।